जनपद सिद्धार्थ नगर से, जहां पर कोविड 19 के प्रकोप के कारण पिछले कई दिनों से विद्यालय बंद थे, लेकिन आज पुनः शासन के निर्देशों के उपरांत विद्यालय खोले गए। प्राथमिक विद्यालय तेलिया डीह द्वितीय विकास क्षेत्र खुनियाव जिला सिद्धार्थ नगर में खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजन किया गया और बच्चों का स्वागत किया गया। श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संचारी रोग नियंत्रण के बारे में बताया गया एवं शपथ दिलाई गई। उपरोक्त सभी कार्यों में श्री संजय कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक, श्री अनिल नायक सहायक अध्यापक, श्री परसोत्तम सिंह सहायक अध्यापक, श्री सत्येंद्र सिंह सहायक अध्यापक के साथ अयोध्या प्रसाद, श्री जितेंद्र सहानी और श्री राजेंद्र यादव, श्री फूलचंद्र सफाई कर्मी आदि अनेक सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। कोविड 19 के नियमों का पूर्णतया पालन किया गया। आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अबरार अली की खास रिपोर्ट। नेटवर्क में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत टेलिया डी में प्राइमरी स्कूल में हमारे श्री गोपाल मिश्रा जी जो उपस्थित है, यहाँ बच्चे लोगों को जो बताया गया है कि जो बच्चे लोग एक से और पाँच के क्लास के बंडे के दिन होंगे, बाकी बच्चों को इसी इसी तरीके से यहाँ पर समझाने के लिए हमारे गोपाल मिश्रा जी से हम बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हो। सर, आपको नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप ग्राम पंचायत टेलिया डी में आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? आज से प्राथमिक विद्यालय लगभग एक साल बाद खुल रहे हैं। बच्चों का पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ हमारे अध्यापक स्वागत कर रहे हैं। आज स्वागतोत्सव के रूप में पूरा विकासखंड में सभी स्कूलों में मनाया जा रहा है। बच्चे उत्साहित हो, पढ़े लिखे, पुनः उनकी पढ़ाई लिखाई सुचारू चले, इसके लिए सरकार द्वारा कोविड 19 के गाइडलाइन के अनुसार अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग दिवस तय किए गए हैं। उस अनुरूप बच्चों को बुलाया जा रहा है स्कूल में, बच्चे पढ़ें और उनका जीवन स्तर अच्छा हो, प्रेरणा लगे को प्राप्त करने का प्रयास करें, हमारी शुभकामना है। और सर, मतलब अलग अलग क्लास को बुलाया जा रहा है, उनके लिए कोई ऐसा निर्देश है कि बच्चे लोग जैसे आते हैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए मास्क वगैरह या कुछ और का ऐसा कोई निर्देश है? ये तो निर्देश दिया गया है और व्यवस्था हो रही है और गार्जियन अभिभावक सब सहयोग करेंगे, सभी कोविड नियम के अनुसार सभी नियमों का पालन किया जाएगा। शुक्रिया सर, आप न्यूज़पेट नेटवर्क से बात करने के लिए। सर, मैं यहाँ जो हमारे स्कूल के जो प्रधारी प्रधान जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि उनका क्या कहना है इसमें। धन्यवाद सर। ये एक साल बाद लगभग स्कूल खुला है, जैसे कि सर ने बताया, और हम लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे भी उत्साहित हैं पढ़ने के लिए। सभी अभिभावकों से निवेदन भी किया जा रहा है बार बार कि बच्चों को नियमानुसार विद्यालय भेजें और कोविड 19 के जो नियमों का पालन करें। थैंक यू सर बात करने के लिए। सर, यह हमारे ग्राम पंचायत टेलिया डी के जो प्रधान हैं अयोध्या जी, इनसे हम बात करना चाहते हैं, ये भी मौजूद हैं यहाँ पर। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ साल भर के बाद स्कूल खुला है और हमारे दूर दराज से अधिकारी गढ़ आए थे, जिले से चल के आए हैं, और बच्चों को साफ सफाई करने की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाए हैं और मैं इन्हीं बातों में उनको धन्यवाद करता हूँ। सर, नेटवर्क से बात करने के, जैसे कि सर मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत टेलिया डी में एक साल के बाद कोविड 19 के बाद जैसे स्कूल चालू हुआ है, और चालू होने के बाद यहाँ कुछ हमारे अधिकारी आए, उनको नियम अनुसार जो होता है उनको गाइडलाइंस बताने के बाद यहाँ शपथ दिलाए, और उसके बाद यहाँ स्कूल चालू हो गया। एक से लेके और पाँच तक के मंडे को पढ़ाई, सोमवार के दिन मतलब यहाँ पढ़ाई होगा, उसके बाद अलग अलग क्लास के बच्चे को एक हफ्ते की जो पढ़ाई होगा उसमें हमारे सर जो है इसमें सूचना दिए हैं। सर, न्यूज़पेपर से बात करने के लिए सिद्धार्थ नगर से ब्यूरो चीफ अबरार अली।